हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एंजॉय गेमिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊं कि राइस्टार जो है, जो हमारे राइस्टार है दोस्तों, जो ज्ञान सुजन के साथ खेलता है दोस्तों, वो कौन से करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कस्टम मैच में, और कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपना रैंक में, ठीक है। और क्लास स्क्वाड रैंक अगर खेलते हैं तो कौन सा करेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, जो मतलब करेक्टर के जो स्किल कॉम्बिनेशन है वो कौन से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इन सारे चीज़ों की जानकारी दूंगा आज के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप राइस्टार के फैन हैं, अगर आप चाहते हैं कि राइस्टार जैसे खेले दोस्तों, अगर राइस्टार जैसे मूवमेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा राइस्टार जो करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कस्टम मैच में वो कौन सी यूज करते हैं, रैंक मैच में कौन सी यूज करते हैं, जिसके चलते वो आज सफल है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे एंड तक देखना अगर आप राइस्टार के फैन हैं तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले कैटेगराइज किया हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा वो रैंक मैच में ये सोलो वर्सेस सोलो में क्या खेलते हैं, अगर सोलो खेल रहे तो, और अगर सोलो वर्सेस ड्यो और सोलो वर्सेस स्क्वाड अगर ये रखते हैं खेलते हैं तो ये कौन से करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी में मैं ये बताऊंगा रैंक मैच में ये कौन से करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब ये सोलो वर्सेस ड्यू और सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं या फिर सोलो खेलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम कस्टम मैच में, ठीक है। कस्टम मैच में अगर ये सोलो वर्सेस ड्यू खेलते हैं और सोलो खेलते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में राइस्टार कौन से करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ये बताएंगे, ठीक है। तो दो कैटेगरी में है, एक रैंक मैच एक कस्टम मैच, ठीक है। क्लास स्क्वाड रैंक ये खेलता नहीं, आप लोगों को पता ही है, बस एक कस्टम खेलते हैं और फिर जो खेलते हैं फिर रैंक खेलते हैं ना ज्ञान सुजन के अपना जो लाइव में उस पर। तो मैं बताऊंगा आपको पूरे डिटेल के साथ कि कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करता है, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ जब राइस्टार सोलो वर्सेस डियो करते हैं तो कौन सा स्किल यूज करते हैं। दोस्तों, पहला जो है वो कैली का यूज करते हैं, दूसरा दोस्तों मुआथाई यानी कि कला का, और तीसरा दोस्तों कैरोलिन, ठीक है। तो दोस्तों, जो कैली से है, कैली से मूवमेंट स्पीड बढ़ती है, स्प्रिंटिंग बढ़ती है 6% तक। मुआथाई से 1 फेट में मर जाएगा आदमी, है ना, और बॉडी में 2 फेट में मर जाएगा, 100-100 का डैमेज जाता है। और दोस्तों कैरोलिन से होता है शॉटगन से आपको मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर शॉटगन लेके आप मूवमेंट करते हो तो उसको बढ़ जाता है ना। तो ये यूज करता है जब ये सोलो वर्सेस ड्यू खेलता है। अब बात करते हैं दोस्तों रैंक मैच में ये कौन से करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब ये रैंक मैच खेल रहे थे, जब ये सोलो अगर मैच खेलते हैं, अगर ये सोलो मैच खेलते हैं रैंक में, तो दोस्तों डैश, मोको और पलोमा ये 3 करेक्टर स्किल यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डैश से आपको पता है स्प्रिंटिंग 6% तक बढ़ जाती है, और मोको से क्या होता है 5 सेकंड तक बंदे का लोकेशन दिखाता है अगर आपने उसको डैमेज दिया, ठीक है। तो और दोस्तों जो पलोमा है उसे क्या दोस्तों, आप ARMO है ना, बहुत सारे रख सकते हो, एक्स्ट्रा ARMO रख सकते हो अगर आपके पास बैग नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में काम आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब ये रैंक में सोलो मैच खेलते हैं। अब बताते हैं दोस्तों, अगर ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तो ये कौन से करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब राइस्टार सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं ना, तो एक जो इसका मतलब कॉमन है दोस्तों, वो है केली का करेक्टर डैश का, ठीक है दोस्तों। इससे इसका जो है स्प्रिंटिंग बहुत तेज होती है, आपको पता है, इसी का एक कॉमन है, ठीक है। चाहे कस्टम खेले, चाहे रैंक खेले, कुछ भी खेले, ये कॉमन रहती है। और दोस्तों दूसरा में है दोस्तों, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे एंड्रयू का, है ना, एंड्रयू का। और तीसरा दोस्तों है वही दोस्तों जो ARMO रखता है पलोमा का वो, ठीक है। तो डैश, केली, फिर पलोमा, उसके बाद फिर एंड्रयू, ये 3 करेक्टर यूज करते हैं जब ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो था दोस्तों ये जब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तब, तो मैंने बता दिया। अब दोस्तों आपको बताऊंगा कि जब सिंगल ये कस्टम मैच खेलते हैं ना, तो ये कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये पुराना इसका वीडियो था दोस्तों, तो अभी जो फिलहाल जो नया दोस्तों, ये जब अभी कस्टम 1v1 किसी के साथ ही करते हैं राइस्टार, तो कौन सा करेक्टर यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ना कि राइस्टार से भी ज़्यादा मूवमेंट हो, वैसे भाई राइस्टार तो मूवमेंट बहुत तेज है, लेकिन अगर चाहते हो तो मैं बताऊंगा आपको करेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो कौन सा करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जब आप सोलो वर्सेस सिर्फ सोलो कस्टम खेल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइस्टार दोस्तों DJ आलोक, ठीक है, और फिर जो एंटिनो का करेक्टर होता है वो दोस्तों यूज करते हैं, और तीसरा दोस्तों जो यूज करते हैं वो है दोस्तों नली मूवमेंट यानी कि दोस्तों जोसेफ का, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका 20% मूवमेंट बढ़ जाता है जब आपको कोई डैमेज देता है, ठीक है। ये सारे यूज करता है ये जब सिंगल कस्टम खेलते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों, अगर इससे भी ज़्यादा आपको मूवमेंट चाहिए, ठीक है, अगर आप
चाहते हो कि मतलब राइस्टार जैसा मूवमेंट अगर आप उससे भी अच्छा बढ़ा लें, तो दोस्तों आप डीजे आलो की जगह क्रोनो यूज़ कर सकते हो। वो इसलिए दोस्तों क्यों, जबकि आप क्रोनो यूज़ करोगे ना आपका 30% तक मूवमेंट आपका बढ़ जाएगा, जबकि डीजे आलो में 15%, ठीक है, तो वहाँ पे ये स्पीड आपको इंक्रीज कर सकती है, ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों राइस्टार तो भाई एकदम मूवमेंट का बादशाह जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, जब आप क्रोनो यूज़ करोगे, और दूसरे में नल्ली मूवमेंट, तीसरा में दोस्तों आप जो है एंटीनो का यूज़ करना है। एंटीनो का इसलिए दोस्तों क्योंकि वो 35 HP जो है एक्स्ट्रा देता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ऐसे में अगर दो शॉटगन से अगर दो गोली बंदा आपको मार भी देना तो आप नहीं मरोगे, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन से आप 3 करेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करो सोलो में, ठीक है, अगर आप कस्टम खेलो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप कौन सा 3 जो है वो यूज करो, ठीक है, 4 जो है कौन सा यूज करो। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है क्रोनो, दूसरा पे कैली, तीसरा एंटीनो और चौथा दोस्तों जोसेफ। दोस्तों इसके मैं फायदे बता रहा हूँ, ठीक है। क्रोनो अगर आप यूज करते हो तो एक तो आपको शील्ड मतलब आपका ग्लूवल अगर आपको सही से नहीं लग पाए तो आप क्रोनो शील्ड वो बचा देगा, ठीक है। प्लस में दोस्तों क्रोनो को हमेशा बचने के लिए इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है। अगर बंदा वहाँ ग्लूवल के पीछे छिपा हो ना तो आप क्रोनो स्टार्ट करके तुरंत उसके साथ मतलब उसके सामने जाके उसको मार सकते हो, मतलब आपका स्पीड 30% बढ़ा देगा, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा दोस्तों अगर आपके पास केली कॉम्बिनेशन है तो आपको पता ही है कि मतलब स्पीड जो स्प्रिंटिंग है वो 6% तक बढ़ा देता है, तो ये आपको फायदा करेगा मूवमेंट में। और तीसरा दोस्तों जोसेफ, दोस्तों बंदा आपको अगर कस्टम मैच में अगर डैमेज देता है ना, अगर आप डैमेज खाए हो ना तो आपका जो मूवमेंट स्पीड है ना 20% तक बढ़ जाएगा, ठीक है, 20% तक, तो समझ रहे हो, 20% तक आप स्पीड मूवमेंट करके उसे तुरंत मार सकते हो। और दोस्तों जो एंटीनो का करेक्टर यूज आप रखो वो रखो ही रखो, वो इसलिए दोस्तों मैंने बहुत सारे कस्टम अच्छे अच्छे बंदे का फाइट देखा, 70, 75, 76, 80 लेवल का बंदे का फाइट देखा, ठीक है, तो वो लोग यूज करते हैं दोस्तों एंटीनो, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि स्टार्टिंग में वो 30 HP 35 HP एक्स्ट्रा देते हैं अगर आपका मैक्स लेवल हो तो। इससे क्या होता है, अगर बंदा आपको शॉटगन से दो गोली मार भी देना तो भी आपके पास HP 20 से 25 बचा रह जाएगा, और अगर वो नहीं रहा तो आप मर जाएंगे, है ना, तो ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। आप हमेशा यूज करो एंटीनो, एक यूज करो ही करो, एक कैली यूज करो, ठीक है, बाकी आपको क्रोनो और डीजे आलोक में जो बेस्ट लगता है दोस्तों करो, लेकिन मेरा ओपिनियन है क्रोनो आप खेलो लेके, ठीक है, और दोस्तों जोसेफ का लेके खेलो ही, ठीक है। और दोस्तों जोसेफ की जगह आप हयातो का भी लेके खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप मूवमेंट से मानना चाहते हैं तो जोसेफ लेके जरूर खेलना, ठीक है। तो यही था दोस्तों का वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।